आगरा के थाना खंदौली मई मार्ग पर दाऊजी पब्लिक स्कूल के सामने आज सुबह 6 बजे एक शव पेड़ से लटका हुआ मिला, जिसके बाद उसकी सूचना स्थानीय पुलिस को दी गई। ये पता नहीं कैसे हुआ, रात में ये हमारे पास से तो 5,000 रुपए लेके आ गए कि गांव जा रहा हूँ, रास्ते में किसको मालूम था। ये रहने वाले कहाँ के? एमपी के हैं साहब। एमपी के टीकमगढ़ के? हाँ, काम कर रहे थे। किस काम करते हो? शव की पहचान कर पुलिस द्वारा मृतक की जेब से मिले आधार कार्ड और मोबाइल से उसके परिजनों को सूचित किया गया, जिसके बाद मौके पर मृतक की पत्नी और उसका साला पहुंचे। आपको बता दें, मृतक रहीम अहिरावर मध्य प्रदेश का रहने वाला है। उसकी पत्नी ने बताया कि मृतक कल पत्नी से झगड़ कर घर से तकरीबन 5,000 रुपए लेकर चला आया था, जिसके बाद उसकी पत्नी ने मृतक की काफी खोजबीन भी की थी, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चल पाया। अपने आप आ गया है, लड़ाई कर गए, पैसे चुरा लिया है, 5,000 रुपये आगे आए छुड़ा के ये कुछ नहीं बोले, गाड़ी आ रही थी, मैं कुछ 2-3 गाल दिया मैंने, कुछ कहाँ जा रहे हैं, बोले हम तो कहाँ जाएंगे। मृतक रहीम अहिरावर अपने परिवार के साथ खंदौली के पास नगला नीम के ही गांव में राजमिस्त्री का काम करता था। सुबह स्थानीय पुलिस के फोन से मालूम हुआ कि रहीम की अज्ञात लोगों द्वारा हत्या कर दी गई। आगरा से ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट, न्यूज टाइम्स इंडिया।